दोस्तों नमस्कार। नी रिप्लेसमेंट एक काफ़ी कॉमन सर्जरी है और पेशेंट्स को इसके इम्प्लांट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट काफ़ी वैरायटीज़ के होते हैं। वो कब कब यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, उसमें इस सीरीज़ में हम आज एक पहला इम्प्लांट आपको दिखा रहे हैं जो कि डिफरेंट टाइप का है। ये कन्वेंशनल नॉर्मल इम्प्लांट नहीं है। इसके क्या पार्ट्स होते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है और किस कंडीशंस में ये यूज़ किए जाते हैं, तो आज हम बताते हैं आपको रोटेटिंग प्लेटफॉर्म नी के बारे में। तो ये एक नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट के तीन पार्ट होते हैं। फिमोरल पार्ट जो हमारी थाई बोन के नीचे लग जाता है, टिबियल पार्ट जो लेग बोन यानी कि टिबिया में जाकर फिट हो जाता है, इसको हम टिबियल ट्रे कहते हैं, और इन दोनों के बीच में एक ही प्लास्टिक का पार्ट होता है जिसको हम पोली कहते हैं। ये इन दोनों इम्प्लांट्स के बीच में इस तरह से फिट हो जाता है और ये हमारा एक नी रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट बन जाता है। पर इस इम्प्लांट में क्या स्पेशल है जो नॉर्मल इम्प्लांट में नहीं होता है? इसमें ख़ास बात ये है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक कनकेव सरफेस है, ये काफ़ी डीप है। नॉर्मली जो पोली होता है वो इतना डीप नहीं होता, फ्लैट होता है। ये स्पेशल तौर से डीप बनाया गया है, इसको कहते हैं कंस्ट्रेंड इम्प्लांट। और ये कब यूज़ करते हैं, जब नी अनस्टेबल है, नी में लिगामेंट इंजरीज है और हमें डिसलोकेशन के चांसेस लगते हैं, तो हम कंस्ट्रेंड इम्प्लांट यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, नॉर्मली जो पोली है वो ट्रे के साथ फिक्स होता है, इसमें फिट हो जाता है और ये बिल्कुल मूव नहीं करता है, तो दिस बिकम्स लाइक ए वन पीस। लेकिन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर इस तरह से रोटेट करता है, इतना अराउंड 30 डिग्री ऑन दिस साइड एंड अराउंड 30 डिग्री ऑन दिस साइड। पहली चीज़ कि ये कैसे रोटेट कर सकता है, अब आप ध्यान से देखें, ये इसमें एक पेग है और इसमें एक ट्रफ बना हुआ है जिसके अंदर ये इस तरह से चला जाता है। और दूसरी चीज़, आप एक ये पेग देख रहे हैं, इसके लिए इसमें एक ये ग्रूव बनी है, कर्व्ड ग्रूव है, तो जब हम इसको इसमें डालते हैं तो हमें इतना मूवमेंट मिलती है। अब इसकी ज़रूरत क्या है और इसका क्या फ़ायदा है? नॉर्मल इम्प्लांट जब यूज़ करते हैं, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं, जब ये डेप्थ ज़्यादा नहीं होती है टिबियल ट्रे की, तो उसमें जो हमारी फीमर है वो आराम से इधर उधर रोटेट कर सकती है। बट जब डीप हो जाता है तो आप देखिए ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है, यानी कि इसकी रोटेशन काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। तो जब भी हम चलते हैं, थोड़ा सा ट्विस्टिंग मूवमेंट करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो ये इसको ज़्यादा डायरेक्शन चेंज होने नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत डीप है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी दे रहा है, लिगामेंट जो इंजरी थी उसको तो ये ठीक कर रहा है, बट इसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम ये मूवमेंट करते हैं तो ये सारी फोर्स टिबिया के ऊपर ट्रांसमिट हो रही है, तो यानी कि हमारे टिबिया के लूज़ होने के चांसेस हैं। जो इम्प्लांट है टिबिया का, अगर बार बार इसकी रोटेशन करेंगे तो ये लूज़ हो जाता है और पेशेंट को बहुत जल्दी रिविजन सर्जरी के लिए आना पड़ता है। तो उस फोर्स को डिसिपेट करने के लिए, उस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मूवमेंट यहीं दे दी गई है, यानी कि हम रोटेट भी कर रहे हैं लेकिन टिबिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए आप, तो टिबिया की लाइफ बढ़ाने के लिए, इम्प्लांट की लाइफ बढ़ाने के लिए ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म दिया गया है, यानी कि हमें स्टेबिलिटी भी दे रहा है और हमें फ्रीडम भी दे रहा है मूव करने की विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द टिबियल प्लेट। तो दोस्तों, जब भी रिविजन सर्जरीज होती है, जब भी लिगामेंट इंजरीज होती है, तो ये इम्प्लांट यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे इम्प्लांट की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। आमतौर पर एल्डरली पेशेंट होते हैं, उनमें एक बार सर्जरी करना भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, अगर बार बार रिवीजन करेंगे कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ते हैं, ऊपर से बोन क्वालिटी ख़राब होती जाती है क्योंकि इसमें सीमेंट यूज़ होता है, तो हम बार बार ऑपरेशन नहीं करना चाहते। उसी को अवॉइड करने के लिए ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है।